subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सुशांत सिंह के केस में रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की जा रही है, जहां लगातार रिया से घुमा फिरा के सीबीआई तरह तरह के सवाल कर रही है और इन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती हाँ और ना में ही दे रही है, तोते की तरह रटे रटाए आंसर ही दे रही है, जिसके चलते सीबीआई संतुष्ट नहीं है और सीबीआई से बहस भी हो गई रिया चक्रवर्ती की। दरअसल हालात अभी ऐसे हो चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती लगातार सवालों का जवाब दे दे के इरिटेट हो गई हैं और इरिटेट होने के बाद वो बहस कर रही हैं। बहस करने के साथ वो अफसर पर चिल्ला रही हैं और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ाहट निकाल रही हैं, जिसे बताया जा रहा है कि डीआरडी रूप में महिला पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया और रिया चक्रवर्ती को शांत कराया गया और रिया चक्रवर्ती पर सख्ती बरताई गई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अभी भी किसी सवाल के परफेक्ट आंसर नहीं दिए हैं, जिसमें सीबीआई ने व्हाट्सएप चैट लीक को लेकर सवाल किए तो ड्रग्स को लेकर और साथ ही सुशांत सिंह के पैसों को लेकर, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने एक भी सच्चाई नहीं बताई है, इसलिए मजबूरन अब सीबीआई को उठाना होगा वो कदम जिस कदम से रिया चक्रवर्ती को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती होश आवाज में तो सच्चाई नहीं उगल रही है तो बेहोश होने के बाद क्या पता सच बता दे, ऐसा सीबीआई को लग रहा है। वेल, रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होगा ये तो सीबीआई ही बताएगी। जैसे ही रिया चक्रवर्ती सवालों का जवाब देना चालू कर देगी, वैसे ही सुशांत सिंह के केस में सच और झूठ सामने आ जाएगा। फिलहाल इतना ही, बाकी के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।